नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर से मची न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत रामनगर विधमवा के श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में रखा गया सम्मान समारोह। बहुत समय बाद इस इंटर कॉलेज में आयोग द्वारा एक महिला की नियुक्ति हुई, जिसको देखते हुए प्रबंधक एडवोकेट प्रीति उपाध्याय द्विवेदी, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी नेत्री भी हैं और महिलाओं का सम्मान हमेशा करती रहती हैं, उन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम विद्यालय में रखा गया, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे हैं। दो नियुक्तियां आयोग द्वारा आई थी, जिसमें एक महिला एक पुरुष की नियुक्ति हुई है। कार्यक्रम के सभी ग्रामवासियों को आमंत्रित किया गया और साथ में सभी कॉलेज के अध्यापक और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं मेरे दादाजी चक्कन सेठ को, अब है मूर्ति के रूप में है लेकिन ये हमारे बीच में अभी हमेशा खड़े रहते हैं, तो इनको प्रणाम करूंगी। और मेरे जो रोल मॉडल है, जो मेरे पिताजी हैं, जो राजा राम जी हैं, तो राजा राम जी की हम वानर सेना है और उसमें से एक हनुमान मिला था। आज जो हनुमान ने यहाँ तक हमको पहुँचाया है, तो एक राज बहादुर सिंह है, राजा राम भी ठाकुर छत्री थे, तो राज बहादुर सिंह ने भी हमको यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो मैं उनको भी प्रणाम करूंगी। और ये सभी लोग आज जो अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, और इतने मैं अभी तक मुखातिब नहीं हुई थी, फिर भी इन लोगों ने इस विद्यालय के बारे में सुना था, पिताजी के साथ जुड़े थे। और आज सबसे अच्छी बात है कि जिन्होंने बचपन से हम लोग जब यहाँ आते थे, और शेषमन पंडित मैं नीलेश पटेल आपको लेके चलता हूँ। श्री रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव पड़ता है श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, वहाँ आज एक सम्मान समारोह रखा गया है और वहाँ दो नियुक्तियाँ आई हैं, एक महिला एक पुरुष की। आइए पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं अपने चैनल खबर 7C न्यूज चैनल पर। विद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, OKC उपलक्ष्य में किया गया। जरा आप अपना परिचय देते हुए जानकारी दीजिए। डॉक्टर प्रीति उपाध्याय द्विवेदी, मैं इस इंटर कॉलेज की भावी प्रबंधक कल चुनी गई हूँ। अब आज इन्होंने अपना दायित्व, श्री राजा राम उपाध्याय जी जो मेरे पिताजी भी हैं, जो प्रबंधक हैं, उन्होंने अपना दायित्व मुझे भी दिया। एंड उसके साथ साथ हमने यहाँ पे हमारे विद्यालय में 70 साल बाद एक महिला नियुक्ति आई, उसी उपलक्ष्य में हमने इस पूरे गाँव समाज को बुलाया और इस गाँव समाज में, हमारी रामनगर की धरती में, हमारे गांव समाज में जुट के हमारी महिला शक्ति, जो पहली बार 70 साल बाद हमारे यहाँ पे एक महिला शक्ति आई है, उसका हमने नियुक्ति पत्र जारी किया है। जी जी। इसके बाद में हमारे यहाँ पे PT सर, जो 10-12 साल से वो जगह खाली थी, और DY साहब ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इन दोनों जगहों को भर्ती किया जी, है जी। तो अब ये दोनों आज नियुक्ति पत्र प्रबंधक श्री राजाराम उपाध्याय जी ने निर्गत किया है जी, और जी। उन्होंने अपना दायित्व भी अब मेरी तरफ निर्गत किया है जी, जी। अब आगे अब इस विद्यालय के प्रबंधक हूँ जी जी जी। अंतिम सवाल आपसे बनता है कि समय आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप मानी जानी महाराष्ट्र की BJP अभिनेत्री भी है, तो आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि मड़ियाहूँ विधानसभा 370 के लिए आप क्या करना चाहती हैं अपनी पार्टी के बारे में? मैं फ़िलहाल इस वक्त पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूंगी जी। लेकिन हमेशा कहा कि आज जो मुद्दा है, एक तो यूपी में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि ब्राह्मण समाज, और दूसरा मुद्दा है कि महिला का जो आरक्षण दिया जाने वाला है 40%, जो कांग्रेस ने कहा है, हमें ये बताना है कि BJP ऑलरेडी महिला शक्ति पे हमेशा से प्रभार देती रही है और महिला शक्ति ने अपना दायित्व बड़े अच्छी तरीके से निभाया है, और यही दायित्व मड़ियाहूँ क्षेत्र के लिए भी, जो हमारी महिला विधायिका हैं, उन्होंने अब अपना कार्यकाल पूरा किया है। आगे आने वाले भी जो महिला शक्ति मड़ियाहूँ आगे बढ़ाएगी, इसकी मुझे पूरी संकल्पना है, और हो सकता है कि कोई महिला, मेरे ख्याल से बहुत सारी महिला दावेदार है मड़ियाहूँ विधानसभा जी जी जी, तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन जी जी ये तो है कि मड़ियाहूँ विधानसभा महिलाओं का जी 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 जी। धन्यवाद धन्यवाद।